Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। एटा के जलेसर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार में व्याप्त माफिया राज की लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तब प्रदेश में व्यापारियों के अपहरण होते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, छोटी छोटी बातों पर दंगे होते थे और कर्फ्यू लग जाता था, बमबाजी होती थी। लेकिन भाजपा सरकार में अब कर्फ्यू नहीं लगता, कांवड़ यात्रा निकलती है, बमबाजी नहीं होती बल्कि बम बम के नारे लगते हैं। योगी जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जलेसर में राम मंदिर में लगने वाला 2100 किलो का घंटा जब राम मंदिर में बजेगा तो दिन में सपना देखने वाले अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। योगी जी ने कोरोना महामारी के समय यूपी सरकार के कोरोना प्रबंधन को सर्वश्रेष्ठ बताया तो विरोधियों को कोरोना वैक्सीन विरोधी बताते हुए उन्होंने हराने की भी अपील की है। योगी जी ने जनपद एटा में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने एटा जनपद में जलेसर के घंटे को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में चयन कर वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने का कार्य किया है। वहीं कल्याण सिंह के नाम पर लोगों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि यह स्वर्गीय कल्याण सिंह की जन्मभूमि है और पार्टी को उनका प्यार और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है, इसलिए कल्याण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए भाजपा को वोट दें।